नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैयम है और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये आर्डिनो की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। सो अभी तक हमने ये जान लिया है कि आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो के कितने अवेलेबल बोर्ड्स हैं मार्केट में, और आर्डिनो यूनो बोर्ड के बारे में भी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़, पहले हाफ में मैं आपके वीडियो के पहले हाफ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्डिनो जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे इंस्टॉल किया जाता है अपने कंप्यूटर में, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। और दूसरे भाग में मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्डिनो सॉफ्टवेयर के जो है वो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और हम उन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, ताकि हम अपने प्रोग्राम जो है वो बना पाएँ और अपने प्रोजेक्ट जो है वो भी बना पाएँ। सो चलिए जानते हैं। तो आर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको जो आर्डिनो सॉफ्टवेयर है वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। सो कौन सी वेबसाइट है और कैसे डाउनलोड किया जाता है, सो चलिए जानते हैं। सो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज़ कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर इस लाल बटन पर क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन पर क्लिक करके आप जो है वो भी क्लिक कर दे, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन जो है जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे दोनों ही जगह पे आप आर्डिनो के ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे arduino.cc, ठीक है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर पाएँ। तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे आना है डाउनलोड्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आके आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आर्डिनो का लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे उसका वर्जन दिखेगा। तो अभी आर्डिनो का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 1.8.12। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो जो वर्जन है वो चेंज हो जाए, तो ये आपके केस में हो सकता है अलग हो। सो मेरे टाइम पे ये 1.8.12 है। सो मैं इसी डक को डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अब अगर आपके पास लिनक्स वर्जन है तो आप यहाँ पे इसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैक है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एंड अभी विंडोज़ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी विंडोज़ के बारे में आपको बताऊँगा। सो यहाँ पे विंडोज़ में भी दो ऑप्शन है, तो आप ध्यान से पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जब आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज खुलेगा, एंड यहाँ पे ये जो पेज है ये आपको बोलता है कि आप इसमें डोनेट कीजिए। तो अगर आपको डोनेट करना है तो आप जितना भी अमाउंट है वो डोनेट करके और कंट्रीब्यूट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डोनेट नहीं करना है तो आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जब भी सॉफ्टवेयर है आप वहाँ पर आप इसे सेव कर लीजिए जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है। मैं अभी डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। सो मेरा ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए, और मैं इसे फिर डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करूँगा। सो मेरा ये सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे, और मैंने जैसे कि डेस्कटॉप पे इसे डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का जो ये है इंस्टॉलर, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने पर आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसी विंडो दिखेगी, तो इसे यस करना है आपको। देन आपको एक यहाँ पर ये वाली टाइप की कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट वाली विंडो दिखेगी, तो आपको इसे आई एग्री पे क्लिक करना है, और बिना इसको कुछ चेंज करे सेटिंग्स को आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको इस जो सॉफ्टवेयर है उसे कहाँ इंस्टॉल करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, तो मैं इसे वहीं पर इंस्टॉल करूँगा। सो आप वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट जो है उसे ही रहने दीजिए। देन उसके बाद क्लिक करने पे आपको इस तरीके की प्रोग्रेस बार दिखेगी जिसमें ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो रहा होगा। तो इसे बिना चेंज करे आप इसे होने दीजिए जितना भी ये टाइम लेता है। हो सकता है आपके पीसी में ये थोड़ा धीमा हो या फिर और ज़्यादा तेज़ हो, तो कोई दिक्कत नहीं।
तो इस तरीके से ये जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे आपको आर्डिनो का आइकन क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कंप्लीट है। देन आपको इसको क्लोज कर देना है और फिर आपको जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है। तो डबल क्लिक जब आप करेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा एंड थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें ओपन होने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है हमारा आर्डिनो IDE जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली और ये जो है इसकी मेन स्क्रीन है। सो आप जब भी आर्डिनो IDE को खोलेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे हो सकता है हर बार कुछ चेंजेस आपको दिखे, लेकिन आपको ये जो डिफॉल्ट स्क्रीन है ये कुछ इसी तरीके की दिखेगी। तो चलिए जानते हैं सॉफ्टवेयर को कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या ऑप्शंस है और हम लोग इसको कैसे आगे यूज़ कर पाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपका ध्यान जो है वो ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर कॉर्नर पे तो आर्डिनो लोगो के पास आपको कुछ इस तरीके का लिखा हुआ दिखेगा, स्केच अंडरस्कोर APR05A, ठीक है। उसके बाद आर्डिनो 1.8.12। तो ये जो स्केच है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्डिनो जितने भी कोड्स हैं वो आर्डिनो उसको स्केच बोलता है। जैसे हम लोग उसको एक कोड बोलते हैं, वैसे आर्डिनो की लैंग्वेज में वो स्केच माने जाते हैं। तो आर्डिनो ने उसको स्केच बोला हुआ है। अब जब तक आपने प्रोग्राम सेव नहीं किया है, जब तक आर्डिनो जो आज की डेट है मीन्स April 5 और ए, अगर आप और भी ऐसे विंडोज़ खोल लेते हैं और उन प्रोग्राम्स को भी सेव नहीं करते हैं तो यहाँ पे ABC जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। तो इस तरीके से आर्डिनो जो है वो डिफ़ॉल्ट में अपना नाम जो है वो दे देता है। आप जो भी नाम से सेव करेंगे बाद में वो उस नाम से फिर सेव हो जाएगा और वो आप नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये आर्डिनो का वर्जन है। उसके बाद आपको जैसे हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ ऐसे ही टूल बॉक्स और ये सब होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये जो है आपकी वाइट स्क्रीन, ये बेसिकली कोड एरिया या टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है हम अपना कोड टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं कंसोल स्क्रीन, ठीक है। तो कंसोल स्क्रीन क्या होती है, तो अगर हम यहाँ पे जो भी कोड लिखते हैं अगर उसमें जो भी एरर है या फिर नहीं भी है तो वो कोड जो है वो कितनी मेमोरी का कोड है, उसकी कितनी साइज़ है, तो वो सारे मैसेजेस जो भी आर्डिनो में चलते रहते हैं अंदर वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो ये कंसोल स्क्रीन है, अगर कोई प्रोग्राम में एरर होगी तो वो भी आपको यहीं पे पता पड़ेगी, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेगी तो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ आता हूँ आपको नीचे यहाँ पे दिखे, तो यहाँ पे जो है वो आर्डिनो का वर्जन जो है वो सिलेक्टेड अभी जो मैंने कर रखा है वो आर्डिनो का वर्जन है एंड आर्डिनो का जो बोर्ड है, सॉरी आर्डिनो का जो बोर्ड है वो है और ये COM4 लिखा है। तो ये बेसिकली पोर्ट होते हैं जिस पोर्ट पे आपने आर्डिनो को कनेक्ट कर रखा है। तो ये अगर नहीं भी कनेक्ट किया है तो फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा दिखेगा, फिर बाद में हो सकता है ये चेंज हो जाए। तो अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं फाइल को ओपन करूँ तो इससे हर सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, तो ये तो आपको पता है। तो ये मैं चीज़ आपको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे ही पेज सेटअप, प्रिंट, ये सब भी होता है। हमारे पास यहाँ पे एक नई चीज़ है एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि इसकी सारी चीज़ें जो है वो फ्री है, मीन्स इस बोर्ड का डिज़ाइन, और उसी तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारे एग्जाम्पल जो है वो बने बनाए मिल जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप देखकर, समझकर और अपने कोड में, अगर मान लीजिए कोई आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बने बनाए एग्जाम्पल्स को भी आप इसके अकॉर्डिंग रन करेंगे तो आपका जो काम है वो हो सकता है कि इन एग्जाम्पल्स की मदद से ही हो जाए। तो हम लोग भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी फ़िलहाल के लिए एग्जाम्पल जो है वो सेक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, हर चीज़ के ऑलमोस्ट आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एडिट पे। तो एडिट पे आपको कुछ नॉर्मल एडिट जैसे ऑप्शन जो कि जब आप प्रोग्राम टाइप करने में हमें काम आते हैं, जैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना, फाइंड करना, पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें जो आगने वाले टाइम में काम में आएगी तो हम इनका यूज़ करेंगे ऑप्शन का,
ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉपी एज HTML और कॉपी फॉर फोरम। तो आर्डिनो की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे फोरम पे अपनी चीज़ें जो है वो डाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ कॉपी फॉर फोरम करेंगे तो आर्डिनो का कोड वैसा का वैसा कॉपी होकर और फोरम पर आप पेस्ट करने लायक आप उसको बना पाएंगे। तो ये हम जानेंगे आने वाले टाइम में, अभी फ़िलहाल अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्केच। तो स्केच में आपको वेरीफाई कंपाइल दिखेगा, ठीक है। तो वेरीफाई कंपाइल जो है वो बहुत काम का ऑप्शन है, अभी मैं आपको इसी वीडियो में अभी थोड़े टाइम में बताता हूँ इस ऑप्शन का। देन उसके बाद अपलोड है, देन आपके पास लाइब्रेरी इंक्लूड करने के ऑप्शन है। तो कुछ सेंसर्स में हमें लाइब्रेरी लगती है तो हमें लाइब्रेरी इसमें डालना पड़ती है, और वह लाइब्रेरी फाइल डालने के बाद हम लोग उन सेंसर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो ये भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो सबसे पूरे सॉफ्टवेयर का सबसे मेन सेक्शन जो है वो है टूल सेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दो मेन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है बोर्ड। तो आप जो भी बोर्ड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए एक लंबी लिस्ट है आर्डिनो के बोर्ड्स की। तो जैसा मैंने बताया था 50 से ज़्यादा बोर्ड्स अवेलेबल है, तो ये सारे आर्डिनो के बोर्ड्स के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो हाँ, आप जो भी बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है वो ये है पोर्ट। तो जब आप अपने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लेंगे USB केबल की मदद से तो यहाँ पे ये पोर्ट वाला ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा। तो आर्डिनो में जब भी प्रोग्राम डालें प्रोग्राम डालने से पहले यहाँ पे पोर्ट ज़रूर चेक कर लें। अगर ये पोर्ट आपका सिलेक्टेड नहीं है करेक्ट, तो आपका प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर से आपके आर्डिनो में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस जो है वो हमेशा फॉलो करनी है कि कोड डालने से पहले पोर्ट ज़रूर चेक करना है, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट या COM4 आ रहा है, हो सकता है आप नए नए आर्डिनो पे कनेक्ट करें अपने USB केबल की मदद से, तो आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर जो है वो भी चेंज दिखेंगे हर बार, और मैं बताऊँगा आने वाले टाइम में, ठीक है, इसके बारे में। और तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास हेल्प। तो हेल्प में आपके पास गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर भी मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है ये काम करता है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस और दिख रहे हैं। तो सबसे पहला है वेरीफाई। अब वेरीफाई को बड़े ध्यान से समझिएगा। जब भी आप कोड बनाते हैं तो हो सकता है उसमें आपके लेवल पे आपने कुछ गलतियाँ की हो, या फिर कुछ गलत हो भी गया हो टाइप करते करते। तो गलत कोड अगर आप आर्डिनो में डालेंगे तो हो सकता है आपका मनचाहा जो आपका काम है जो आप करवाना चाहते हैं वो नहीं हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आर्डिनो में डालने से पहले ही वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई मतलब चेक कर लेते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। आर्डिनो इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है कि आर्डिनो आपको गलती ढूंढ के बता देता है कि जो भी आपके प्रोग्राम में आपने गलती कर रखी है, और गलत प्रोग्राम आपके आर्डिनो बोर्ड में नहीं जाने देता है। तो इस केस में आप वेरीफाई से पे क्लिक करके और अपने प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन है अपलोड। तो एक बार जब आपका प्रोग्राम जो है वो अगर मैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है वो अपलोड बटन पे क्लिक करके और अपलोड जो है वो कर सकते हैं। अपलोड मतलब आपके प्रोग्राम को आपके कोड को कंप्यूटर से जो है वो आपकी USB केबल की मदद से आर्डिनो बोर्ड में डालना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपलोडिंग प्रोसेस। और यहाँ पर जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस बटन पर क्लिक करके। तो फिर नेक्स्ट है न्यू, ओपन और सेव। तो ये नॉर्मल ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है छोटा सा, ये है वन। तो ये वन मतलब आपका जहाँ पे जो ये आप जहाँ टाइप कर रहे हैं जिस भी लाइन पे आप हैं जिस कर्सर पे आपके, तो वो आपकी लाइन यहाँ से चेंज हो जाएगी। देखिए मैं अभी एरो की से नीचे कर रहा हूँ तो मेरी लाइन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कहाँ काम आता है ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सीरियल मॉनिटर है। सीरियल मॉनिटर भी सेंसर्स के टाइम जब मैं यूज़ करूँगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। और फिर यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इस पर बहुत ही ईजीली हम लोग कोई भी प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। वॉइड सेटअप, वॉइड लूप, ये जो भी लिखा हुआ है ये हम प्रोग्रामिंग का जब बेसिक्स समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, और आर्डिनो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, और आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो IDE है वो कैसा दिखता है, और उसमें क्या क्या ऑप्शन है ये भी मैंने आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ये होगा कि हम लोग इस कोड के बारे में समझेंगे कि आर्डिनो में कोड कैसे टाइप करते हैं, और हम लोग अपना पहला कोड जो है वो अगले वीडियो में लिखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में मेंशन कीजिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।